चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक 11th दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो वीकली लेवल एनालिसिस है उसकी कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे, और किस तरीके से बाजार रहने वाला है उसकी कंप्लीट इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को शो किया जा रहा है। सेकंड थिंग, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मार्केट में आपने देखा बहुत अच्छा खासा आज मूवमेंट हुआ है, 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट रिकवर हुआ है नीचे के लेवल से। और हमने कल भी आपको इस चैनल के माध्यम से हमने वीडियो शेयर किया था कि यहाँ से निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी आने की उम्मीद है, जो निफ्टी को 10,250 तक लेके जा सकता है। लेकिन उससे ऊपरी लेवल पे हमने लेवल को सस्टेन किया है और 270 के आसपास हाई बना करके वहीं 266 के आसपास 100 पॉइंट का राइज पे हमने क्लोजिंग लिया है। तो क्या अब अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, उससे पहले आप लोगों को एनालिसिस करने से पहले मैंने 6 दिसंबर को परसों के वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था आवर्ली चार्ट पे कि यहाँ से शॉर्ट पोजिशन काट दें और यहाँ से बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। तो ये जो एनालिसिस था इस चैनल को मैंने RSI डाइवर्जन शो किया था कि यहाँ से निफ्टी में तेजी आने की उम्मीद है। और आज के सेशन कल से लेकर आज तक का जो मूवमेंट हुआ है लगभग 200 पॉइंट का नीचे के लेवल से 230 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, और हमने 65 के लेवल पे ही स्टडी किया था कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा करके हो सकता है बॉटम आउट करे और यहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है। और जो हमारा व्यू था 10,090, 60 और 9,900 का, हमने दो लेवल को टच किया निचले लेवल पे, 9,900 के लेवल को टच नहीं किया। लेकिन यहाँ से सिग्नल आवर्ली चार्ट पे जब भी ये फर्स्ट जो बाइंग या बॉटम आउट का जो सिग्नल मिलता है सबसे पहले आवर्ली चार्ट पे मिलता है, सेकंड डेली चार्ट पे मिलता है। तो डेली चार्ट पे एक्चुअली पोजिशनल एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म के व्यू से, लेकिन शॉर्ट टर्म जो वीकली लेवल एनालिसिस किया जाता है वो आवर्ली चार्ट पे ही देखना चाहिए। तो हमने ये आवर्ली चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया था, उसका जो टारगेट जो था डेली चार्ट पे हम स्टडी करेंगे। लेकिन RSI आप देख रहे हैं 71 के लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा उछाल आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे संभल कर ट्रेड करें। अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे जो हमने डाउन ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ किया है, चैनल ड्रॉ किया है, ये डाउन चैनल ट्रेंड लाइन चैनल है, इस चैनल का डाउन ट्रेंडिंग चैनल है। तो इसका अपर रेंज जो है, अब अपर रेंज का टारगेट देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10,360 के आसपास इसका रेजिस्टेंस शो हो रहा है, और इस लेवल को तोड़ेंगे तो ही हम नया हाई बनाने की तैयारी करेंगे। तो नया हाई तो बहुत दूर की बात है, 370 का लेवल तोड़ने में ही इसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट वीक जो है इवेंट भरा है, इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन का कुछ सर्वे का रिजल्ट भी आने वाला है फ्राइडे थर्सडे के सेशन में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो एनालिसिस निकल करके आ रही है, जो मेरा जो व्यू है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है निफ्टी अगर किसी कारणवश 10-20-30 पॉइंट का ऊपरी रेंज पे जाता है तो इंट्राडे में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 10,310 के आसपास, और वहाँ से हम या मंडे या ट्यूसडे के सेशन में हम इसमें गिरावट देखेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखेंगे, जो निफ्टी को 10,220 और 10 तक लेके आ सकता है, और मैक्सिमम डाउन साइड जो है निफ्टी का
जो गैप अप खुला है हो सकता है उसको गैप को फिल करे, या 10,090 या 200 तक मैक्सिमम, 10,190 और 200 तक मैक्सिमम डिप मिले तो वहाँ डिप पे बाई करें और ऊपरी लेवल पे सेल करें। तो अभी जो निफ्टी का रेंज निकल करके आया है मंडे और ट्यूसडे के लिए, मुझे दिख रहा है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन जो होगा 10,200 के आसपास या 210 के आसपास बाई अपॉर्चुनिटी बनता है, और 10,260 70 के आसपास सेल अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अभी 50 पॉइंट के दायरे में ही या 70 पॉइंट के दायरे में ही निफ्टी रहने वाला है 2-3 दिनों तक, और उसके बाद हो सकता है किसी न्यूज के कारण एक डाउनसाइड भी आया है, 100 पॉइंट का, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज करना है। और जो भी तेजी आएगी 10,200 से ही तेजी आएगी जो निफ्टी को 370 तक लेके जा सकता है। तो किसी भी कारणवश अगर निफ्टी में डाउनसाइड आता है तो 370 इस हफ्ते में जो टारगेट है, 370 मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ तक मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। अगर किसी भी पॉलिटिकल कोई अच्छा न्यूज आता है बीजेपी के फेवर में तो मार्केट को हम ऊपरी लेवल को छोड़ टच करते हुए देखेंगे। लेकिन उस केस में बीच के जो 2-3 दिन होगा हो सकता है निगेटिव न्यूज के कारण नीचे रिएक्ट करे या कंसोलिडेट करे, लेकिन इन बिटवीन में आपको बहुत सारे छोटे मोटे जो स्टॉक हैं, मिड कैप स्मॉल कैप और छोटे जो स्टॉक हैं उनमें बहुत बड़ा अच्छा खासे प्राइस राइज की चांसेज है। तो ये हमारा चार्ट पे एनालिसिस है निफ्टी का। अब हम देखते हैं जो वीकली लेवल एनालिसिस है इस हफ्ते के लिए, 10,281 के ऊपर और 91 के ऊपर ही बाई बनता है। जो टारगेट होगा टारगेट 3 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, मैक्सिमम टारगेट 4 10,320 के आसपास मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ फेस करने की चांसेज है। और फाइनल टारगेट के ऊपर तो मुश्किल ही है, 2-3 दिन तक हम नहीं देखेंगे, ये मंडे का लेवल है। लेकिन किसी भी कारणवश गिरावट होती है, 240 के नीचे फिसलता है बाजार तो हम 196 तक और 212 तक यहाँ तक जा सकते हैं, और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बाई करना है, वहाँ पे स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेंथ है, वो इंट्राडे चार्ट एनालिसिस पे ही पता चलेगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे हम निचले लेवल पे बाई कर सकते हैं 196 के आसपास। और जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल बायर हैं उनके लिए जो निफ्टी का स्टॉप लॉस है 10,130, किसी भी हाल में 10,130 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, और उसका पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और जिस तरीके से बाजार को जो गिरावट का जो लेवल स्टार्ट हुआ था फॉलिंग का, उसका भी हमने बोला था कि निफ्टी को 10,230 के नीचे डाउन ट्रेंड नहीं शुरू होना चाहिए, उसी तरीके से अभी भी बाजार में जो टारगेट बना हुआ है डाउन साइड का, वो सपोर्ट बना हुआ है 10,130 का, और हम ऊपरी लेवल पर जैसे जिस तरीके से हम 10,410 का हाई बना करके हम फॉल किए हैं, तो उसी तरीके से निफ्टी में इस बार का जो रेंज है ऊपरी लेवल जो है 10,310 इस ये हमारा हायर लेवल होगा, और डाउन साइड का जो लेवल है 10,190। तो जिस तरीके से पहले 10,290 का लेवल था उसी तरीके से, और अपर रेंज जो था 10,410 सेम अभी भी वही लेवल है 10,310, और डाउनसाइड का जो लेवल है 10,190, इन दोनों लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट होंगे 3 दिन तक। और डे बाय डे हम एनालिसिस करेंगे, उसमें हम नया जो भी अपडेट होगा वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल गया है। बैंक निफ्टी ही इसमें बड़ा भूमिका निभाने वाला है, मे बी थर्सडे के एक्सपायरी बैंक निफ्टी का नीचे के लेवल पे ही हो, क्योंकि ये मैक्सिमम इसका जो रेजिस्टेंस है 25,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जो फाइनल टारगेट है ये यहाँ तक इसको जाने में बहुत तकलीफ होने वाली है 25,500, और कंसोलिडेट करे और फिर से हो सकता है मंडे ट्यूसडे के सेशन में कौन से ऊपर लेवल से फिर से गिरावट हो और थर्सडे के सेशन में हम नीचे ही एक्सपायरी देखें, या जो भी होगा वेडनेसडे को क्लियर होगा। लेकिन किसी भी कारणवश गिरावट शुरू होती है
25,240, तो वहां से हम सेल कर सकते हैं, टारगेट होगा 25,160 का। लेकिन ये हमारा वोलेटिलिटी एनालिसिस है। वोलेटिलिटी एनालिसिस जो होता है ये क्लोजिंग के बेसिस पे होता है, लेकिन जब हम मार्केट में हाई और लो बना रहे होते हैं उस केस में सारा एनालिसिस चेंज हो जाता है। सपोज आज निफ्टी ने जिस तरीके से वर्क किया, निफ्टी का हम देखते हैं, निफ्टी ने जिस तरीके से बिहेव किया, 265 का हाई आज क्लोजिंग है। अब हम कल की जो क्लोजिंग थी 166, उसके बेसिस पे हमने कल के लेवल एनालिसिस किया था, इसका जो मैक्सिमम टारगेट था 10,263, और ऑलमोस्ट हम 72 का हाई बना करके सस्टेन किए हैं और 65 के आसपास ही बंद हुए हैं। तो मैक्सिमम एक दिन में जो तेजी हो सकती थी यहीं पे हो सकती थी, और इसका 45 डिग्री एंगल एक रिट्रेस ब्रेकआउट का टारगेट था, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही हम 90 डिग्री तक जाने की चांसेज होती है। लेकिन किसी भी कारणवश मार्केट में मॉर्निंग के सेशन में अगर या कभी भी हाई बनता है, उस हाई के बेसिस पे क्या सेल इनिशिएट करना है, तो 10,255 के नीचे सेल करना था, टारगेट होगा 10,221। तो ये हमारा मंडे के लिए भी एनालिसिस सेम है, अगर आज का हाई जो बना है उसका 15 डिग्री के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हम यहाँ तक टारगेट खुलते हुए देखेंगे, और किसी कारणवश अगर इस लेवल को तोड़ेंगे हम तो 200, 190 और 175 तक मैक्सिमम फिसल सकते हैं। तो यहाँ तक फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है, 175 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो भी गैप अप खुला है हो सकता है एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये लेवल आ जाए। तो इस गैन एंगल इंट्राडे के लेवल के हिसाब से हाई और लो के बेसिस पे हम बाय और सेल इनिशिएट करते हैं, और जो भी सपोज लो बनता है उस लो को हम यहाँ पे प्राइस इनपुट करते हैं, तो उस लो के बेसिस पे बाय लेवल जनरेट होता है जिसका टारगेट ए बाय के लिए इस 45 डिग्री और 90 डिग्री का टारगेट ओपन हो जाती है। तो इस गैन एंगल को कैसे यूज किया जाता है, गैन एंगल लेवल बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे यूज किया जाता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लर्निंग के पर्पज़ से किसी को अगर इस लर्निंग के पर्पज़ से अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। और सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ और एक स्टॉक में भी हम सेम इंट्राडे लेवल निकाल करके ट्रेड कर सकते हैं, और पोजिशनल बेसिस पे भी इसकी स्टडी की जा सकती है। टाइम एनालिसिस, टाइम के साथ पोजिशनल टारगेट क्या होता है, इंट्राडे क्या टारगेट होता है, उसकी कंप्लीट हम स्टडी और एनालिसिस कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।